हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुरकिया जमावेगा, गालियां देगा, बला से जारे मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लेते हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे, कोई खैरात के दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने से चुकती ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी के दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। हल्को उदास होकर बोला, क्या मैं गाली खाऊं? मुन्नी ने तरप कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अबकी से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न सहनी पड़ेगी, अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 ही रुपए बचाए थे कंबल के लिए, वह आज निकलने जा रहा है, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे थिरथिरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊँक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों में गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जरा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे पीछे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कू कू की दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि में शायद तार लिया, स्वामी की मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे, यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, उठू फिर एक चिलम भरू, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं इनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जारे का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करे मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जरा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज और जला खा ले, कल से मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जरा न लगेगा। जबरा अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में
उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जरा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे मुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अनु प्रकाश से चमक रहा था। सासा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छतरी के बाहर आकर भुकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी इतनी रात बाकी है, सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कुकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंके मेहंदी के फूल की खुशबू के लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरे को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का एक पहाड़ सा खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे की विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत महासागर में यह प्रकाश की नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में ऐसो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड न लग रही है? जबरा ने कुकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करे, देखे कौन निकल जाता है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी के कल कहना देना
नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पतिया जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यो ज्यो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेतों के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले के खेत में न जाना, जानवरों के पीछे पीछे दौड़ना और सूझ जान बैठा पड़ा। वह अपनी जगह से न हिल पाया। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा भूख उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंग सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ सारे खेत का तो सत्यानाश हो गया, भला ऐसे भी कोई सोता है, तुम्हारे मराया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ओर गए, देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मराया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।